फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके फोन की स्क्रीन जो है वो बार बार जल्दी जल्दी ऑफ हो जाती है तो इसी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग के इस पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है ऑटो स्क्रीन ऑफ, इसे टैप करना है। आपका एक पेज आता है, इसमें देखिए मेरा 10 मिनट के सामने टिक मार्क लगा हुआ है, तो अगर आपका इस वाले पेज में आपका जो है टिक मार्क कम टाइमिंग पे लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर अपना जो है टाइमिंग को बढ़ा लेना है, जिससे आपके फोन की स्क्रीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा देर तक चालू रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको अगला काम करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन में ना ये फाइल का ऐप मिलता है ये वाला, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है, इस वाले पेज में आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज यूजेस का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपको अगला काम करना है, ये है मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ये ऑप्शन शो होता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपका ये वाला पेज आता है, इसमें आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये पेज आएगा, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन आखिरी बार टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन का जो डेटा है आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।